हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी रेसिपी। इसे मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है चलिए देखते हैं। उसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम्स चिकन लिया है। चिकन को पहले मैरिनेट करें। मैरिनेशन के लिए सॉल्ट ऐड करें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देन ऐड 2 टीस्पून लेमन जूस। देन ऐड टर्मरिक पाउडर। देन ऐड 2 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। देन ऐड 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 कप दही ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल। इसे 2 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख दें। ये कुकर मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। ये प्रेस्टिज का 3 लीटर कुकर है। इसमें ग्लास लिड भी दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। इसके लिड में स्पैचुला को हैंग करने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। इस कुकर की सबसे अच्छी बात इसका लिड है जो कवर करने में बहुत ही इजी है। एक हाथ से आप हैंडल कर सकते हैं और ये इजीली लॉक भी हो जाता है। बिरयानी के लिए मैंने एग और पोटैटोज़ को बॉईल भी कर लिया है। सारे खड़े मसाले को मैंने निकाल के रख लिया है। गोल मिर्च, जावित्री, तेजपत्ता, ड्राई रेड चिली, इलायची, लौंग और जावित्री। कुकर में मस्टर्ड ऑयल डालें करीब 2 चम्मच के करीब। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें ऐड करें तेजपत्ता, ड्राई रेड चिली, कुछ इलायची और लौंग ऐड करें और 1-2 बड़ी इलायची। गोल मिर्च ऐड करें। जैसे ही खड़े गरम मसाले भुनने लगे उसमें ऐड करें 1 लार्ज चॉप्ड अनियंस एंड मिक्स इट वेल। अच्छे से मिक्स करें। अनियंस जब फ्राई हो जाए देन उसमें ऐड करें मैरिनेटेड चिकन। उसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स इट वेल। मिक्स करने के बाद उसे कवर करके कुक करें हाई फ्लेम में फॉर 5 मिनट्स। ये ऑयल जार्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। बैरिस्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लार्ज अनियन को स्लाइस किया है। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कितना वाटर रिलीज हुआ है। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें इन लो फ्लेम। इधर राइस के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पे। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें ऐड करें तेजपत्ता, कुछ इलायची, जावित्री, लौंग और बड़ी इलायची, 2 चम्मच सॉल्ट और ऐड करें बासमती राइस जिसे मैंने पहले से धो के स्टेन करके रखा था। यहाँ पे मैंने 3.5 कप ऑफ बासमती राइस लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स इट वेल। राइस को पूरा कुक मत करें, ओनली 80% तक इसे कुक करें। बैरिस्टा भी हमारा तैयार हो गया, उसे अलग निकाल के रख लें। उसी ऑयल में पोटैटोस को भी फ्राई कर लें। पोटैटोस को फ्राई करते समय उसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड ऐड सम टर्मरिक पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स करें। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते कितना ऑयल रिलीज हुआ है चिकन से। इसमें ऐड करें 1 लार्ज चॉप्ड टोमेटोज।
इसे अच्छे से मिक्स करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें इन लो फ्लेम। इधर राइस 80% कुक हो चुका है, मैंने इसे स्टेन कर लिया स्टेनर से। पोटैटोज भी फ्राई हो चुका है, इसे अलग से निकाल के रख ले। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कितना ऑयल रिलीज हुआ है चिकन से। नाउ इट्स टाइम टू ऐड ग्रीन चिलीज और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक करें। आफ्टर 5 मिनट्स नाउ इट्स टाइम टू ऐड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अनदर 5 मिनट्स तक लिड लगा के इसे लो फ्लेम में कुक करें। एमिकल हैदराबादी बिरयानी मसाला, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। 2 चम्मच निकाल ले बाउल में और थोड़े से गर्म पानी में इसे घोल लें। इनाल्सा का ये वाटर इलेक्ट्रिक कैटल मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। कैटल को ऑन करने पर ब्लू LED लाइट जलता है जो बहुत सुंदर दिखता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी चिकन से कितना ऑयल रिलीज हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड बिरयानी मसाला, उसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसे लिड लगा के अनदर 5 मिनट्स तक लो फ्लेम में कुक करें। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी कितना ऑयल रिलीज हुआ है चिकन से और चिकन हमारा टेंडर भी हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा धनिया पत्ते निकाल लेती हूँ, फ्रेश फ्रॉम द प्लांटर। चिकन में 1 कप के करीब हॉट वाटर ऐड करें एंड सम कोरिएंडर लीव्स फ्रेश फ्रॉम किचन गार्डन। लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करें और उसे अच्छी तरह से मिक्स करें एंड कवर करके अनदर 5 मिनट्स तक कुक करें। एक हैवी बॉटम वेसल ले या हांडी ले बिरयानी के लिए, जिसपे पहले घी डालें 2 चम्मच के करीब। उसके बाद उसमें चिकन की लेयरिंग करें विद ग्रेवी। उसके बाद उसमें राइस की लेयरिंग करें, राइस को अच्छे से फैला के लेयरिंग करें। राइस की लेयरिंग के बाद उसमें पुदीना पत्ता ऐड करें। अगेन उसमें बाकी का चिकन और ग्रेवी ऐड करें। चिकन के साथ एग और पोटैटोस को भी ऐड करें। फिर उसके बाद राइस की लेयरिंग करें। उसके बाद 2 चम्मच घी ऐड करें, उसके ऊपर बैरिस्ता ऐड करें। अगेन ऐड पुदीना पत्ता, मिंट लीव्स ऐड करें। देन ऐड केसर वाटर, सैफ्रन वाटर ऐड करें एंड सम कोरिएंडर लीव्स, कुछ धनिया पत्ती ऐड करें। 2 चम्मच के करीब गुलाब जल ऐड करें, रोज़ वाटर ऐड करें 2 टीस्पून एंड 2 टीस्पून केवरा वाटर। अब इसे दम पर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक करें। 10 मिनट तक कुक करने के बाद भी इसे 10 मिनट तक गैस बंद करके छोड़ दें, आफ्टर दैट इसे ओपन करें। नाउ योर चिकन हैदराबादी बिरयानी इज़ रेडी टू सर्व। इसे हल्के हाथ से मिक्स करें एंड सर्व करें रायते के साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी 100। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।